इस समय विज्ञान कक्ष में हैं, बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? अचल, आपको जो भोजन बन रहा है विद्यालय में, आज क्या बना है? दाल चावल बना है बेटा। विद्यालय में आपको दूध मिलता है? सर नहीं। अच्छा, फल पाती हैं? जी। बेटा आपके यहाँ दो टीचर हैं, तो एक टीचर तो यहाँ पे उपस्थित हैं, दूसरे जो आज नहीं आए उनका नाम? नहीं आते हैं। क्या नाम है उनका? सुनील सर। कितने दिनों से नहीं आ रहे हैं सर जी? 10-15 रोज हो गया। आपका क्या नाम बेटा? काजल। किस कक्षा में पढ़ती हैं आप? पापा का नाम क्या है? और किस गांव की रहने वाली हैं? करकटली। तो जो सर हैं वो आपको क्या पढ़ाते हैं जो नहीं आते हैं? कुछ नहीं पढ़ाते। अच्छा, तो विद्यालय आते हैं तो फिर आते हैं तो सर। अच्छा, कितने दिनों से विद्यालय पे वो नहीं आए हैं इस समय? 10-15 दिन। कृति किस कक्षा में पढ़ती हैं? साथ में पढ़ती हैं। कृति, आपके पापा का नाम क्या है? श्री राम तिवारी यादव। बेटा आपके विद्यालय में आज खाना बना था? जी सर। क्या बना था? दाल चावल। दाल चावल। बेटा फल किस दिन आपको मिलता है? सोमवार। दूध किस दिन पाती हैं? दूध नहीं मिलता। कितने दिनों से बेटा नहीं मिल रहा? कभी मिलता ही नहीं। अच्छा, आपके विद्यालय में एक टीचर हैं जो विद्यालय नहीं आते, लोगों ने शिकायत की है, तो उनका नाम जानती हैं क्या है? सुनील सर हैं। सुनील सर आपको क्या पढ़ाते हैं अगर आते हैं तो? कभी-कभी आते हैं तो बस। आप देख रहे हैं जी न्यूज 7 खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत करंडा क्षेत्र से, जहां पे धर्मपुर गांव अंतर्गत एक करकटपुर गांव का पुरवा है, और इस पुरवे पे हम जूनियर हाई स्कूल पे आए हुए हैं और बहुत से ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हैं। यहाँ की शिकायत है कि यहाँ दो टीचर हैं, एक सहायक अध्यापक और प्रभारी। लोगों का कहना है कि प्रभारी यहाँ आते ही नहीं, आते हैं दस्तखत करते हैं उसके बाद चले जाते हैं। बच्चों ने भी ऐसा आरोप लगाया है। इस बाबत जब हम यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी से बात किए तो वो कहते हैं कि हम 3 दिन बाद, आज हम व्यस्त हैं और कल नहीं आ पाएंगे, और परसों दिन हम आके विद्यालय का औचक निरीक्षण करेंगे। आने वाले समय में ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारी अगर शासन में रहेंगे, प्रशासन में रहेंगे, तो जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो नौनिहाल हैं, उनका क्या होगा? सरकार तो दावा भरती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। यहाँ तक कि बच्चों ने आरोप लगाया कि मुझे दूध नहीं मिलता, मुझे पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, और फल मिलता है तो बच्चों ने कहा कि मात्र एक दिन हमको फल मिलता है, बहरहाल मान लेते हैं फल मिलता होगा। बट यहाँ के शौचालय की स्थिति मैं अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएंगे कि शौचालय की स्थिति ये है कि शौचालय पे टंकी तो रखी गई है बट उसमें पानी का कनेक्शन नहीं है। दुर्भाग्य है हमारे भारत के उन नौनिहालों का जिनको सरकार तो व्यवस्थाएं देती है पर बच्चों तक नहीं पहुँच पाता। आइए जानते हैं इस बाबत ग्रामीणों की रिपोर्ट क्या है। मोती जी बताएं, विद्यालय पे दो टीचरों की बात है, इसमें एक टीचर परमानेंट दिखाई देते हैं, एक नहीं दिखाई देते, उनको कैसे जानते हैं आप? ऐसा है ना कि जो टीचर आते हैं कोई समय से आता है, नहीं आते है। आते हैं वैसे अपने बच्चे खेलते कूदते, ना कोई डांटते, ना पढ़ाने का उतना सीखता है, अपने आराम से बैठ करके मोबाइल देखते हैं, कहीं कुछ करते हैं, ऐसा ही परिस्थिति आता है भैया। आप बोलने पे गर्म हो जाते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? चौधरी जी ये बताएं कि विद्यालय पे जो टीचर नहीं आते उनका क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील कुमार, कितने दिनों पहले आपने उनको देखा है? 10-15 दिन। विद्यालय में ये जो शौचालय की स्थिति क्या रही बताएं? बहुत बेकार। भैया आप बताएं, इस विद्यालय में हमने देखा कमरे में भूसा रखा पाया गया, विद्यालय कमरे में भूसा था, क्या कहना है आपका? क्या शिक्षा के मंदिर में भूसा होना चाहिए? क्या नाम है आपका? और कुमारी सर। कहाँ से हैं? करकटपुर से। तो ये स्थिति है करकटपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय की, और इस बाबत जब बी एस ए साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। अब देखते हैं बी एस ए साहब क्या करते हैं उस लापरवाह अध्यापक के ऊपर। धन्यवाद।